नमस्ते दोस्तों, मन्नू रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, इसको चिड़वा भी कहते हैं। ये मैंने पोहा लिया है, मूंगफली ली है, ये मटर लिए है, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, हल्दी, थोड़ा सा नींबू, कड़ी पत्ता, प्याज, आलू और हरी मिर्च। मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, आलू को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और मटर को भी। ये मेरे आलू और मूंगफली फ्राई हो गए हैं, मटर मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया। ये मेरी प्याज हो गई है, उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। मूंगफली और ये थोड़ा सा नींबू का रस, दो तीन हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, जितना तीखा चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे पोहा। इसको हल्की आंच पे चला के मिला के अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा पोहा बनके तैयार है। इसे कुछ लोग पोहा और कुछ इसको चिड़वा बोलते हैं। इसको गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। ये मेरा पोहा बनके तैयार है, ये देखिए दोस्तों।